गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू से यू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस, आज है दिवाली और मेरा ये दिवाली का ब्लॉग है। आई होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, तो प्लीज ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। और बस अभी हम लोग पूजा स्टार्ट करने वाले हैं और देखिए ये है आज मेरा दिवाली का लुक। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, सस्ता यू नो अफोर्डेबल लहंगा वाला, तो ये मैंने अमेजोन से 3 लहंगे लिए थे जिसमें से मैंने दिवाली के लिए आपको बताया था कि ये वाला चूज किया है। तो यस, ये व्हाइट वाला ही मैंने आज पहना है और ये है मेरा लुक। मैंने थोड़े से बाल कर किए हैं, बड़ा सा मांगती का, और ये इयररिंग। तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, बहुत ही हल्की ज्वेलरी रखी है, क्योंकि दिवाली में इंजॉय करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं बहुत ही हैवी हैवी फालतू मेनो बैंगल वगैरह भी कुछ नहीं पहने हैं, तो अदरवाइज क्या होता है, मैं अपनी ड्रेसेस और ये सब ज्वेलरी संभालते रह जाते हैं, इंजॉय नहीं कर पाते, तो मुझे पटाखे भी जलाने थे, इंजॉय भी करना था, इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का सा रेडी हुई हूँ। और ये दक्ष बाल अपने देखिए, इसके हेयर स्टाइल स्पाइक करके आया है जेल लगा के। तो यस, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम पूजा। और कैसा रहा मेरा आज पूरा दिवाली की तैयारियां, सुबह से मैंने क्या क्या किया, वो सब देखने के लिए हमें चलना होगा फ्लैशबैक में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अभी हमारी जो पूजा हम थोड़ी देर में करेंगे, और हमारे घर की जो अभी दिवाली की डेकोरेशन है वो आपको दिखाऊंगी, और यस उसके बाद लेके चलूंगी फ्लैशबैक में। ओके, तो देखिएगा पूरा ये वीडियो गाइस। ओके हाँ, एंड यस उससे पहले मैं आपको अपना आज का पूरा लुक दिखा देती हूं। चलिए मैं थोड़ी सी आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ जो मैंने की है, और ये रंगोली बनाई है मैंने। पूजा की तैयारियां हो रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी दिवाली। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ये मैंने रात में भिगो के रख दिए थे क्योंकि आज दिवाली है तो अच्छा अच्छा खाना बनना है। और उसके साथ मैंने ये देखो आप, ये दिए भिगो के रखे हैं। जब भी आप कभी ऐसे कच्चे वाले दिए लो ना मार्केट में, एक तो ऐसे पक्के वाले दिए आते हैं देखिए इस टाइप के, ऐसे वाले, लेकिन एक ऐसे कच्चे दिए होते हैं, अगर कभी भी आप कच्चे दिए ऐसे ले तो उसको ओवरनाइट भिगो के रखे, क्योंकि वो काफ़ी सारा जो भी अगर आप उसमें तेल डालेंगे इसको विदाउट ऐसे भिगोए तो आपका सारा का सारा तेल पी जाते हैं काफ़ी सारा। तो इसको रात में भिगो के रखिए और फिर उसको अच्छे से धूप में सुखा दीजिए, तो ये आपका तेल नहीं पियेंगे, इसलिए मैंने इसको रात में भिगो के रख दिया था, सो दैट कि आज दिवाली के दिन मैं इनमें दिए जला सकूँ। तो ये अब हो गया, मैं इनको धूप में रखने जा रही हूँ। चाय का पानी भी उबल गया है, चाय बनानी है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मैंने दिए रख दिए यहाँ पे सुखाने के लिए, और ये कल मैंने लगाई थी जो दिवाली पे लाइट लगती है ये लगाई थी, तो मैंने अपनी बालकनी में ऐसे ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग स्टाइल में लगाई है। रात में जब
लाइट ऑन करेंगे और कैंडल के साथ पूरा डेकोरेट करेंगे, तब मैं दिखाऊंगी आप। और मैंने क्या क्या डेकोरेशन किए हैं दिवाली की वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने विंडो पे ऐसे स्टार्स लगा दिए हैं, पिंक गोल्डन, एंड जो दिवाली की लाइट है वो ऐसे जिगजैग शेप में लगाई है। और ये मैंने बनाया था किचन फॉइल के रोल से। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखिएगा मैंने कैसे बनाया था। और ये मैंने कुछ ऐसे हैंग किए हैं और ऐसे सीलिंग पे भी कुछ ऐसे ये डेकोरेट करके हैंग करके रखे। तो ये हैं कुछ फ्रेश फ्लावर्स जिससे आज के दिन माला बनाई जाती है घर को डेकोरेट करने के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आर्टिफिशियल मालाएं अवेलेबल हैं जिससे आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन जो बात खुद हाथ से बनाई हुई इन गेंदों की फूलों की माला में होती है वो किसी चीज़ में नहीं। तो कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ, बीच में जो पत्ते लगाऊंगी ग्रीन कलर के एंड देन डिफरेंट कलर के गेंदे के फूल। मेरी दोनों मालाएं बन गई हैं, अब मैं इनको लगा देती हूँ ऊपर। हो गया, लग गई मेरी माला। अब ये वाली मैं कहीं दूसरी जगह लगा दूँ। तो यस गाइस, अभी शाम हो गई है, अप्रॉक्सीमेट 5 बज रहे होंगे। और यस, मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या ज्वेलरी पहननी है। तो बहुत ज़रूरी है आप कभी भी अगर रेडी हो तो पहले से आप डिसाइड करके चूज़ करके और निकाल के अपना सारा सामान रखेंगे। तो आपको जब भी आप रेडी होते हैं तो कम टाइम लगेगा, उस टाइम पे आपको सारा मैसी नहीं होगा कि अभी क्या पहनूँ। तो हमेशा पहले से चीज़ें सेलेक्ट करके और निकाल के रखिए। तो अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं और बस दिवाली की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। आके क्यों बन की है, खोल ले। मैं देखो ऐसे अभी आज कर्ल कर रही हूँ अपने बालों को, तो अभी इतने से हुए हैं और अभी इतने सारे और करने हैं। और ये मैंने जो ड्रेस पहनूंगी आज वो भी निकाल ली है। ये आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, अगर अमेजोन का सस्ता लहंगा स्कर्ट वाला वीडियो, तो उसमें से ये वाला मैंने चूज़ किया था। तो ये पहन रही हूँ और बहुत ही लाइट ज्वेलरी पहन रही हूँ, कुछ भी हैवी नहीं, क्योंकि मुझे इंजॉय करनी है दिवाली, जस्ट सज धज के मुझको नहीं बैठ जाना है। तो मुझे पटाखे भी फोड़ने हैं, फुलझड़ी भी जलानी है और मस्ती भी करनी है, इसलिए बहुत ही हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन रही हूँ और बहुत सिंपल सा लाइट मेकअप करूँगी। तो बस थोड़ी देर में मैं जब पूरा रेडी हो जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको अपना दिवाली का लुक। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। आप वीडियोज़ देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो आप जब पूरा रेडी हो जाएंगे तो आप देख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए बाहर शाम हो रही है अभी और कितना अच्छा मौसम लग रहा है अभी। ये वाला जो टाइम होता है ये नवंबर का अक्टूबर लास्ट का, ये मेरा पूरे साल में सबसे फेवरेट टाइम है। वेदर इस टाइम पे इतना अच्छा होता है, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो पूजा का जो मुहूर्त टाइम है वो 6 से 8 बजे के बीच में हम कर सकते हैं। पूजा तो ऑलरेडी 6:15 हो गया है, मतलब 6:30 ही हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी मुझे रेडी होना है, दक्ष को रेडी करना है, पूजा की तैयारियां करनी, बहुत सारे काम है। तो चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस मैं अपने ये कल कर रही हूँ, देखिए मैं ये वाला सेट वेट का जल यूज़ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड का ही है, बहुत कुछ नहीं जस्ट। तो आपको अगर ना कर्लिंग भी सीखनी है साथ साथ, अगर आपने नहीं की है कभी, तो मे भी आपके लिए यूज़फुल हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा आपको डेमो दे दूँ, साथ ही साथ रेडी भी होती रहो, डेमो भी दे दूँ आपको। तो अभी एक्चुअली टाइम कम है मेरे पास और इतना प्रॉपर मुझे अभी रेडी भी नहीं होना है, क्योंकि कोई पार्टी में तो जा रहा नहीं है, दिवाली के लिए ही होना है। तो मैं अभी बहुत पतले कर्ल नहीं कर रही हूँ, काफ़ी एक साथ में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बाल ले लिए हैं और कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको जेल की क्वांटिटी अच्छे से बालों में लगानी है। और बस ये मेरा 2-in-1 स्ट्रेटनर है, इसका भी मैंने एक बार वीडियो डाला था, तो इसमें स्ट्रेटनर और कर्ल दोनों हो जाता है, तो ये कर्ल के लिए खुलेगा। इसको इस तरह से करना है, अपने बाल फंसाए और फिर इसको अपने बालों में
ऐसे 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 करिए, थोड़ी देर तक इसको ऐसे होल्ड करके रखिए। मेरे सारे बाल हो गए कल, पीछे से देख सकते हो आप। मैंने बहुत ज्यादा कर्ल नहीं किया है, जस्ट यू नो सिंपल सा एक हल्का फुल्का सा कर्ल किया है कि सो दैट कि थोड़ा सा कर्ल वाला लुक भी आ जाए और मेरा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाए। तो ये मेरा लास्ट कर्ल था और ये भी हो गया है। ये वाला काफी अच्छा आया है, मैंने काफी देर तक रखा है इसको और बाकी काफी अच्छे लग रहे थे वो अपना पीछे से। ठीक है गाइस, ओके ये फ्रंट पे रहेगा तो मैं सोची इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ये फ्रंट पे रहेगा ना, फ्रंट पे ज्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ। और आप लोग मुझे बताइए आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसे चल रही है। आई मीन जब ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगी दिवाली हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आपकी दिवाली कैसी रही। और बस गाइस लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सा आज का व्लॉग है, ईट बालों के लिए अच्छी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए मन करता है थोड़ा डिफरेंट लुक। तो देखिए ये भी कर्ल हो गया, तो मेरे फ्रंट के जो दोनों हैं ना वो काफ़ी अच्छे से कर्ल हो गए हैं एंड बाकी भी ठीक ठीक है। चलिए फिर गाइस मैं आपको मिलती हूँ पूरा रेडी होने के बाद। तो यस गाइस आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बस थोड़ा सा कुछ हाथों में बैंगल्स वगैरह पहनने हैं, अदरवाइज मैंने मेकअप ही कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। एंड यस दिस इज माय दिवाली लुक। और ये एंड गाइज इसका जो ये टॉप है, जो ये ब्लाउज है, ये भी मैंने स्टिच किया है, तो इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी कि कैसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे इसे स्टिच किया, क्योंकि मैंने सोचा कि बस 399 का ये पूरा का पूरा लहंगा है और ब्लाउज की जो स्टिचिंग है यहाँ पे पुणे में वो मिनिमम मतलब स्टार्टिंग ही 400 रुपीज से है। तो जितने का पूरा लहंगा है अगर उतनी स्टिचिंग हम ब्लाउज के लिए दे देंगे तब तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा और बिल्कुल भी रीजनेबल लहंगा नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसका ब्लाउज मैं खुद ही स्टिच करती हूँ और सिंपल सा आप देखिए ऐसे बोट नेक में मैंने स्टिच किया है, स्लीव्स भी लंबे रखे हैं यहाँ तक क्योंकि मुझे लगा ये ज्यादा स्मार्ट लगेगा। और ये फिटिंग वगैरह भी अच्छी आई है, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा मैंने स्टिच किया है, कि आपको पसंद आया है। तो यस मेरा वो स्टिचिंग वाला जो वीडियो होगा वो भी आप जरूर देखिएगा। तो बस अभी बज गए हैं 7 और अगर हम थोड़ी देर में पूजा वगैरह करने के बाद नीचे जाएंगे अपने पटाखे वटाखे जो भी है हमारे फोड़ने, और दक्ष बहुत एक्साइटेड है दिवाली के लिए, मैं भी बहुत हूँ एक्साइटेड भी हूँ, मुझे भी पटाखे वगैरह बहुत मज़ा आता है करने में, ऑल्दो ज़्यादा नहीं करने चाहिए, यू नो पोल्यूशन होता है नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ज़्यादा पटाखे नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ बच्चों की खुशी के लिए थोड़े बहुत करने पड़ते हैं लाइक फुलझड़ी एंड चकरी वगैरह, तो वही हम लोग करेंगे ज़्यादा, लेकिन ही आने वाले मेरे हस्बैंड भी। तो बस तैयारी चल रही है पूजा की और मैं ये कॉटन से बातियां बना रही हूँ। पूजा फिनिश करने के बाद हम लोग नीचे गए अपनी सोसाइटी में जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के पटाखे फोड़ रहे थे एंड दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े, मतलब बहुत सारे नहीं थोड़े थोड़े पटाखे फोड़े और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपकी दिवाली कैसी रही है। एंड गाइस प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज गाइस, एंड यस आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी हो जाए। और मैं अंजलि जल्दी मिलती हूँ आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बी हेल्दी, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ एंड यस बी योरसेल्फ।